मैं दीपक कुमार उर्फ दीपक जबला सिंह, मैं सभी गरीबों के बीच में रहना पसंद करता हूं। और सभी लोग बहुत दिनों से ही लाइक भी किया और मैं लाइक के साथ मैं साथ रहना भी पसंद करता हूँ। बकरी बर्मा प्रखंड वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीका से गरीबों के दीपक कुमार उर्फ दीपक जबलस मसीहा बने हैं, उस तरीका से जनता के मैं उनकी आदेश अनुसार मैं जरूर पालन करूँगा, जी हाँ रहूँगा। यह शख्स कोई और नहीं, बकरी बर्मा प्रखंड मुख्यालय के दीपक वर्मा उर्फ दीपक ज्वेलर्स हैं, जिन्होंने मानवता का परिचय देते हुए कई तरह के सामाजिक कार्य किए जो आज समाज के लिए लाभान्वित हो रहा है। नमस्कार, मैं विजय पांडे अपना मंथन के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। सच्ची घटनाएं एवं प्रेरक कथाएं आप लोगों तक पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज दीपक वर्मा उर्फ दीपक ज्वेलर्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जैसे ही पकरी ब्रामों में कदम रखेंगे, आपको यहाँ के हर एक मंदिरों में दीपक ज्वेलर्स लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात उन्होंने मंदिरों के निर्माण में भरपूर सहयोग दिया। इतना ही नहीं, हर एक शुभ लग्न में ये लगभग दर्जनों बेटियों को उपहार देकर सम्मानित करते हैं, जिससे इनका समाज में मान सम्मान और भी बढ़ता हुआ सा दिखता है। बेटियों को सम्मान देने के साथ साथ इनका दावा है कि यदि कोई गरीब अपनी बच्ची की शादी में परेशान हो रहे हों तो वो बेफिक्र होकर उनसे मिले। आइए मिलते हैं दीपक वर्मा और दीपक ज्वेलर्स से, क्या कहते हैं वो। मैं दीपक कुमार उर्फ दीपक ज्वेलर्स हूँ, मैं सभी गरीबों के बीच में रहना पसंद करता हूँ और सभी लोग बहुत दिनों से ही लाइक भी किया और मैं लाइक के साथ मैं साथ रहना भी पसंद करता हूँ, जिसमें जितने गरीबों को, निसहायक व्यक्तियों को, सभी भिखारियों को, लोगों को मैं सबके बीच में रहने का पसंद किया और बहुत लोगों गरीबों के बीच में आ कर रह कर करके सभी को मैंने बांटने का काम किया। और जिस तरीक़ा से अभी कन्यादान की बच्चियों को शादी हुई, कुछ लोग ऐसी बच्ची हैं जिनकी पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, उनकी मदद के लिए मैं हमेशा साथ हूं और साथ रहूंगा। और बहुत दिनों से मैं कन्यादान में बच्चियों के साड़ियों और मेरा जो खुशी होता है ऊपर से 201 रुपया का योगदान मेरे तरफ से ही रहता है। और बकरी बर्मा प्रखंड वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से गरीबों के दीपक कुमार उर्फ दीपक ज्वेलर्स मसीहा बने हैं, उस तरीक़ा से जनता के मैं उनकी आदेश अनुसार मैं ज़रूर पालन करूँगा और करता रहूँगा भी, जिसमें जनता लोग हमें साथ दे तो सबके साथ हम मैं विकास हूँ और विकास रहने का मैं साथ रहूँगा और जनता के आदेश के अनुसार मैं विकास जरूर करूँगा। जिस तरीक़ा से मैंने बहुत सारे जगह पकरी ब्रह्मा प्रखंड में एक देवी स्थान जो न्यू गेट मैंने निर्माण किया और फिर पकरी ब्रह्मा बाज़ार में शिव मंदिर में स्टीलों का निर्माण किया, गेट का निर्माण किए, फिर और उसके बाद कचना मोड़ पकरी ब्रह्मा में एक मंदिर का भी निर्माण किए हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारे जगह आप लोग का आशीर्वाद जब मिलेगी तो
तो मैं सारे जगह का मैं विकास करके मैं रहूँगा आपका आशीर्वाद से। जिस दिन आपका आशीर्वाद अगर मिलता रहेगा तो पकरी वर्मा ये स्वर्ग रहेंगे कि लोग सोचेंगे नहीं कि पकरी वर्मा है पहला कि नहीं है, वो पकरी वर्मा नहीं रहेगा। जिस समय अगर दीपक कुमार अगर चाह लेंगे तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो पकरी वर्मा एक ऐने के तरह चमकेगी और गरीबों जो है जो भूखे हैं जो गरीब की तरह इधर उधर भटक रहे हैं मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा और साथ देने का काम करूँगा। मैं बहुत दिनों से देखता आया और देखता रहूँगा और देख भी रहा हूँ। अभी के दौर जो महामारी कोरोना वायरस के कारण से बहुत लोग बहुत दुखी हैं और दुखछल हैं, उन लोगों के लिए मैं देख कर 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 बहुत दुखी हो रहा हूँ। जिस तरीका से जब गरीबों के दुख हो रहा है उस तरह मेरा ही दिल में ही दुख है और हमेशा दुख है, पहले से भी दुख मेरा था और आज भी ही दुख है। ना जाने ऊपर वाले कब मेरा साथ देंगे कि मैं पकरी वर्मा के सभी जनता वासियों को मैं किस तरीका से मैं देखना पसंद करूं और कैसे करूं, किस तरीका से ले कर चलूँ। और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं पकरी वर्मा के जितना जनता वासी और नए युवकों मेरे साथी मेरे दोस्तों सब साथ रहेंगे तो मैं ज़रूर आपके पास रहेंगे। जिस समय आप हमारे साथ दीजिएगा उस समय हम आपके साथ हमेशा ही मिलकर जुलकर काम आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज हम नहीं ने कितनों वर्षों से मैंने करते आया और करते रहूँगा भी। जिस समय आज हमारे पास कुछ मजबूरी कुछ आया था लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से ही फिर चढ़ बढ़कर मैंने भाग लेने का प्रयास में लगे हूँ और लगा रहूँगा भी। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार उल्फ दीपक ज्वेलर्स पकरी वर्मा के रहने वाले वासी हूँ और उल्फ दीपक ज्वेलर्स जो समाज सेवक हर समाजों के बीच में हम पसंद करता हूँ रहने के लिए, हर समाजों में मैं जाता हूँ, लोग मुझे लाइक करता है हर समाज, उस समाज को क्या घटित होता है क्या बढ़ित होता है उस समाज को सब जनते के बीच में रह कर कर पसंद करता हूँ और उन्हीं का बात पर लेकर कर मैं सहयोग के हाथ बटाता हूँ और हमेशा हाथ ही बटाता रहूँगा। आपका आशीर्वाद मिले, जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तब तक हम आपके साथ रहूँगा, तब तक आपका बिसात रहूँगा। मैं दीपक कुमार उर्फ दीपक कुमार उर्फ दीपक ज्वेलर्स सभी का मैं शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।